जालंधर पठानकोट चौक पर देर रात 2:30 बजे कार व ट्रक की टक्कर में एक की मौत हो गई व 4 लोग गंभीर जख्मी हो गए, जिसे निजी अस्पताल दाखिल करवाया गया है। बताया जा रहा है कि जम्मू से आ रही इंडिगो कार अचानक बेकाबू होकर पीएपी की तरफ से आ रहे ट्रक से जा टकराई। टक्कर के बाद कार सवार व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक की पहचान राकेश कुमार पुत्र राजकुमार निवासी अर्बन स्टेट लुधियाना के रूप में की गई है। वह कार सवार बाकी 4 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। सूचना मिलते ही थाना डिवीजन नंबर 8 की पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों वाहनों को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। वहीं थाना डिवीजन नंबर 8 की एएसआई प्रेम सिंह ने जानकारी दी कि मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल भिजवा दिया गया है और ट्रक चालक को मौके पर ही हिरासत में ले लिया गया है। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच कर रही है। देखिए जलंधर से सुखविंदर बग्गा की ये रिपोर्ट। ਜਿਹੜਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ? ਅੱਜ ਤੜਕੇ ਇੱਕ ਕਾਰ 'ਚ 5 ਜਣੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਜੰਮੂ ਕਟਰਾ ਤੋਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਜਦੋਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਚੌਂਕ ਆਏ ਆ, ਅਚਾਨਕ ਕੋਈ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂ ਮੋਹਰੇ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਅਚਾਨਕ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰ ਆ ਟਰੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਈ ਆ, ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਰਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੈਪੀਟਲ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ 174 ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ। ਸਰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਰਹਿਣ ਵਾਸੀ ਕਿੱਥੇ ਦੇ ਸੀਗੇ ਇਹ? ਹਾਂਜੀ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਸੀਗੇ।